Hi friends, welcome back to my channel. मैंने बहुत सारे videos जो हैं वो colleges और universities पे बनाए हैं. उसमें students पूछते हैं कि यहाँ आने पर part-time job मिलेगा. मैंने आज सोचा कि मैं एक program बनाती हूँ जिसमें जो international students आते हैं उनको part-time job कैसे मिलता है, कौन कौन से मिलते हैं, उस पर सारी बात करूँगी. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ साथ जो लोग यहाँ पर पीआर पे आते हैं, जब तक आपको यहाँ जॉब नहीं मिलती है तो आप उस बीच में कौन से पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम डिटेल बात करेंगे. कौन कौन से पार्ट टाइम जॉब्स हैं, आप कैसे वहाँ अप्लाई करें, या आप कैसे वहाँ जाएँ, या आपको उसके लिए वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है या नहीं, तो हम कई बातें आज डिस्कस करेंगे. सबसे पहला जो पार्ट टाइम जॉब का ऑप्शन है वो है रिटेल जॉब्स. सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्टोरेंट्स और कैफेज की, जिसमें मैकडॉनल्ड हुआ या टिम हॉर्टन हुआ या बर्गर किंग हुआ, इन जगहों पे आप रिटेल की जॉब्स कर सकते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि इन कैफेज और रेस्टोरेंट्स में हायरिंग चलती रहती है. जब भी आप कस्टमर से बात करते हो तो आप यहाँ के कल्चर के बारे में और यहाँ की लैंग्वेज के बारे में बहुत कुछ सीखते हो. दूसरी रिटेल की जॉब ग्रॉसरी स्टोर्स में होती है, जहाँ आपका काम होता है कि आप बिलिंग करेंगे, कैशियर होंगे, अगर किसी कस्टमर्स को कुछ पूछना है तो वो करेंगे, और दूसरी जो उनकी शेल्स होती हैं उनको रीस्टॉकिंग करना होता है. मैं यहाँ के आपको कुछ ग्रॉसरी स्टोर्स के नाम बता दूँ, जैसे वॉलमार्ट हुआ, कॉस्को हुआ, या फ्रेशको हुआ, या नो फ्रिल हुआ, आप यहाँ पर सारी रिटेल की जॉब्स अवेलेबल होती हैं. रिटेल में और आता है फैशन स्टोर्स, जैसे गैप, अमेरिकन ईगल हुआ, ज़ारा हुआ, और बहुत सारे हैं. वहाँ पर अगर आपको बहुत फैशन या इस चीज़ों का शौक़ है तो आप वहाँ जाकर भी जॉब कर सकते हैं, और आपकी जो फैशन की हॉबी है वो भी आप साथ साथ कर रहे हो. रिटेल में एक और जॉब होती है फ़ोन सेल्स एसोसिएट. इसमें आपको वेजेस तो उतने ही मिलेगा जो मिनिमम वेज है, लेकिन आपको इसके ऊपर कमीशन मिलता है. अगर आप अपने काम में बहुत अच्छे और बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो आपका प्रमोशन भी हो जाता है और सुपरवाइज़र या असिस्टेंट मैनेजर भी हो जाते हो. आपके पास एक और ऑप्शन है ऑन कैंपस जॉब्स का, लेकिन ज़्यादातर ये जॉब्स ये फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को नहीं मिलती है. ये ज़्यादातर मास्टर्स, ये आप सेकंड ईयर में जब आते हो तब ये मिलती है. इसके जैसे इसको कहते हैं टीए या आरए जॉब्स, जिसमें आप लैब्स में हेल्प करते हो, या होमवर्क में हेल्प करते हो, या असाइनमेंट में हेल्प करते हो, तो बहुत सारी जगह आप हेल्प करते हो. ऑन कैंपस जॉब्स में आप $16 to $18 कमाते हो. सबसे अच्छी बात ये होती है कि ऑन कैंपस जॉब्स में कि आपको कहीं जाना आना नहीं पड़ता, आप पढ़ाई के साथ साथ ये जॉब्स भी कर सकते हो. एक और जो जॉब यहाँ होती है वो बैंक में, वो टेलर जॉब है, जो कि पार्ट टाइम जॉब है. आप इस जॉब को भी कर सकते हो. बैंक की जॉब भी कस्टमर सर्विस जॉब है. जैसे क्या है कि उनका मनी डिपॉजिट करना, विड्रॉल करना, या किसी कस्टमर को कोई हेल्प चाहिए बैंक में तो आप वो उसकी हेल्प करते हो. यहाँ पर कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो कि स्टूडेंट्स में बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन उसमें आपको लाइसेंस लेना पड़ता है. जैसे सिक्योरिटी गार्ड की हो गई, आपको पहले लाइसेंस लेना होता है, फिर आप सिक्योरिटी गार्ड की ये जॉब कर सकते हो. इसमें क्या है कि आप जैसे जिस बिल्डिंग में हो, आप जिस जगह पर भी हो, वहाँ पे अगर आप सिक्योरिटी की कर रहे हैं तो आपको वहाँ राउंड्स लेने होते हैं, जो कैमरा लगे होते हैं उनका मेंटेनेंस होता है. तो ये इस तरह की जॉब है, लेकिन इसके लिए आपको लाइसेंस लेना होता है. सिक्योरिटी जॉब में दूसरी अच्छी बात ये है कि आप ये नाइट का ऑप्शन ले सकते हैं. तो आप दिन में अगर पढ़ रहे हैं तो कुछ आज आके आप नाइट में काम कर सकते हैं, और आपको मालूम है किस डे आप ज़्यादा फ्री हैं तो आप उसकी नाइट में काम कर सकते हो. एक और जॉब है यहाँ पे जो बहुत पॉपुलर है, वो फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर की है. उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, ताकि आपको वो प्रॉपर सिखाते हैं कि आपको इसको कैसे चलाना है. एक और जॉब है जो यहाँ बहुत पॉपुलर है, वो रेस्टोरेंट या बारटेंडर की है. उसके लिए भी आपको, अगर आप बार में काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना होता है. रिटेल जॉब्स के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है, ना कोई आपको लाइसेंस लेना होता है. आई होप आपको ये वीडियो काम आएगा, और आप अपने कमेंट्स में अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप लिखिए, मैं उसका ट्राई करूँगी आपको आंसर देना. हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ. बाय.